आज हम बनाने वाले हैं हमारे किचन में एग राइस। तो गाइस रेसिपी चालू हो चुकी है। सबसे पहले चावल बनाए जा रहे हैं। तो गाइस ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें जीरा, अब ये थोड़ा सा इसमें पानी जा रहा है। इसमें चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। अब थोड़ा सा इसमें नमक। तो गाइस पानी गर्म हो चुका है और इसमें हम डालने वाले हैं चावल। ये चावल बॉईल हो रहे हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इनको ढक देंगे। ठीक है गाइस ये चावल बॉईल हो रहे हैं। जब तक हम एक रेसिपी पूरी कंप्लीट करते हैं, एक करी के लिए इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं प्याज। प्याज, ऑयल, चावल, मिर्ची, ये सब आपको अपने मेंबर के अकॉर्डिंग लेने हैं। इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज हल्के से ब्राउन नहीं हो जाए और हरी मिर्ची हल्की सी कुरकुरी नहीं हो जाए। तब तक हम इन एग्स को तोड़कर इनको फेंट देते हैं अच्छा सा। चावल भी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं और होने वाले हैं। एग्स को तोड़कर इनको फेंट देते हैं अच्छे से। तो गाइस एग्स का काम पूरा हो चुका है, अब इनको फेंटना है। तब तक प्याज भी हो रहे हैं, चावल अपनी जगह हो रहे हैं, हम इनको फेंटने का काम चालू करते हैं। जितना इसको फेंटेंगे उतना स्वाद आएगा और उतना ही एग राइस स्वादिष्ट बनेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब ये मसाला डाल रहे हैं हम। मसाला आपको आपके स्वाद अनुसार लेना है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्ची उसी अनुसार, कम तीखा तो मिर्ची कम, और मैं तो भैया बहुत तीखा खाता हूँ। थोड़ा सा इसमें हम एवरेस्ट का गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें मीट मसाला भी हमने डाला है ताकि स्वाद एकदम लजीज हो जाए। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें ये मसाला जा रहा है हल्का सा पानी के साथ में। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसमें से मसाले में से हल्का सा तेल नहीं छूटे साइडों में, 5 से 10 मिनट। तो गाइस इसमें अब तेल ऊपर आने लग गया है। अब हम इसमें एक इसको डाल देते हैं।
अब इसको अच्छे से हिलाना है, एकदम भुर्जी टाइप करना है इसको, पूरा फेटेंगे अच्छा सा इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे। ये गाइस धीरे धीरे अपना रूप ले रही है एक राइस, और बहुत ही शानदार लजीज। गाइस तो हमारा एग्स का काम भी हो चुका है और एग्स अच्छी तरीके से पक चुके हैं, बन चुके हैं, और इधर राइस भी कंप्लीट है, देख सकते हैं आप एकदम क्रिस्पी। इसमें हम एक गार्निश के लिए एक एक आग फ्राई करा रहे हैं। गार्निश के लिए धनिया, जो इसके स्वाद में और चार चांद लगा देगा। तो राइस के ऊपर, सजावट के ऊपर मेल कर रहे हैं। एग राइस बनके एकदम कंप्लीट है, बनके बिल्कुल कंप्लीट है।